शोरा की प्यारी या किशोर का नारी ना।
तक है इस शरीर की अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया और 84 योनि अंक मायनो के चार तक 84 कैरी जंग की सड़क न्यारी न्यारी पेड़ से पेड़ अड़ो रंग रंग का फूल खिले। तो देखो बल्ब बुखारा को बादशाह हो और पिछला जन्म में कबीर जी को चेलो हो और दूसरा जन्म में वो बादशाह बन गए तो गुरु वेद का 7 जन्म तक के तो पहला जन्म में वो सुधर जाए और यदि न सुधरे तो 7 जन्म तक भी वो पीछे कौन छोड़े। गुरु 4 प्रकार का है कौन सा गुरु है 4 प्रकार के न्यारे न्यारे अंग। एक तो दीपक जैसे दीपक प्रकाश करे ने वैसे आत्मा में प्रकाश कर दीपक गुरु मलियागिरी एक मलियागिरी चंदन में तो बिकन जंटी गड़ी है गे। तो वो आपकी किशोर दे लो भी चंदन की सुगंध भी जंटी में हवा लग जाए काई भी पेड़ खड़े है वो बिन आप की सुगंध बना ले लो। और दूसरी में चंदन को कालकू है कुलाड़ी बबिन कटे लेकिन वो आप किसी भी कुलाड़ी का मायने भी बढ़ गया बबी के दुश्मन है लेकिन बी के मायने आप भी किसी को बढ़े मलियागिरी पारस और भरंग पारस की बट्टी ऐसी है लोया के लगा दे भी कोई सोनू बन जाए और एक भंगरो है जैसे आपने बनाए रखे माटी का घर आपने मकाना में और जाए जंगल में एक कीड़ो पकड़े है या जाते हुए पर भी डंक मारे अरे वो डंक खाए अरे वो कीड़ो सू तो जाए जमीन को नहीं उठावे अरे वो डंक मारे अरे वो कीड़ो है कि जो गोयान करे भी साथ चाल बते भी कीड़ा नहीं उठावे अरे लिया को आप माटिया को करे अभी को माइंड बाढ़ दे अरे बाढ़ में चेहरी मेरू बंद कर अरे फिर एक ऐसे गुंजार शब्द सुनाओ भी अरे वो शब्द सुनाए के अजियाल को भवर आप है नहीं बियाल को बिन मनार डाली जाए शत्रु वे तो ऐसे कबीर जी आने को सतगुरु आएगा बल्ब बुखारा को बादशाह बन गो कबीर जी सोचे हैं कि वो तो मेरे बटो जी की पेड़ी पर चढ़ाए और पाचो पड़ा लो जे वो तो इन चेतन का तो जाए आपका और मेल कन देखते हैं तो गेट पर एक मंत्री खड़ी हो अरे मंत्री कन जाए बोले भैया ये धर्मशाला में भी रह जाओगे बाबा ये धर्मशाला नहीं है तो ये बल्ब बुखारा का बादशाह का महल है गड्ढा है किला है कोट है अरे धर्मशाला और क्या बोले ठहर जाए तो भी की चुगली खपाटे बादशाह जाए अरे गेल गेल कबीर जी चलेगा बादशाह जाए और बोले महाराज एक फकीर है आपना महल के प्रति कहीं बोलोगे धर्मशाला में भी जाऊं महल के प्रति बोला टे कबीर जी गेल वो बोले मेरी ये धर्मशाला में भी जाऊं बाबा ये धर्मशाला नहीं है ये बल्ब बुखारा का बादशाह का महल है गड्ढे है किला है कोट है कौन बनाए रे भैया यो मालो पड़दा तो कटे गियो बोले वो तो गियो पाजू बनायो पाज मेरे दादो बोर के वो भी गियो पाजू बनायो पाज मेरे बाप बोर के वो भी गियो तो तू स्थिर रहेगा तू भी एक दिन जाएगा तुम चला और क्या है तू स्थिर थोड़ी रहेगा अधरी गर्व तो लोग बादशाह देखी यार मोटर से जो बात करता है पर वो तो गिरो कहीं में जना भी कब गिरी जागी बादशाह बिर हे पपैया बोलन लाग्या बूंद पड़े है रस की अरे पीवे ला कोई संत ले चुस्की भी कब गिरे जागी इसको कदी मिलू ये बाबा जी इसको कदी मिलू
अब देख और दूसरे दिन कभी जो हो आवे तो ऊंट बन के अर महल पर चले। अब गांव वाला देख बोले महाराज महल पर ऊंट है, बादशाह जा और देखे तो वास्तव महल पर ऊंट विचार करे पहली बात ऊंच डूब ठीक है अरे उतरे लोग ठीक है और देखते देखते वो ऊंट जो अलोक हो गया अरे समझो काल से तो मोटो आयो नहीं है ना ठीक है। तीसरे दिन बादशाह की सेज दसी बिछाती फूलाई की और जिन्हाड़े के बीच भी दसी तो बुला दी बेसेज भी चढ़ और दसी को रूप धारण करके और आप जा और बस सहज विचार जी को खुश हो जाए और बल बुखारा वो बादशाह जा देख भी नहीं और पांच चार भी गए कोल्डा मार दिया। अब भी तो तुम्हारे कोल्डार बिना बहसी बादशाह देखिए आप तो ये ध्यान इन्हें सियावी ने रू जानू चाहिए ए, मैं तेरे कोल्डा मारे होते ना सियावे बोले अरे और भी आवे किया अरे किए गए मैं थोड़ी देर सुती क्यों मेरे पांच रात बीत गया लागा अरे तू जिंदगी भरी को प्रण पड़े बोल तेरे कत्ता ला गया अदरी गए चलो। चौथे दिन बादशाह पटाऊ हाथ बांध लिया दोगड़ी मुख में ले ली नंगे पांव और जंगल में निकल गया। दस बीस आदमी और साधु का साधु ने हेरा दोपहर दिन आ गया कौन ला दिया दिन डलगो कौन ला दिया निराश हो पांच भाव लो भी टाइम पर करी से विचार करे कि अब मिल सके तो कबीर जी जाए आपका और तीन तो कुत्ता शंकर गाल मिली बन मिल जाए अरे एक फूटा के मायने शंकर गाल मिली अरे शीरो रंदे बादशाह जार जोड़ हाथ बाबा कहीं करो हो बोले शीरो रंदू रवाया कुंडे ओ ये तो बल्ब बुखारे का बादशाह को पड़ता तो है अरे ओ ये भी को दादो है ओ ये भी को बाप है अरे फूटो का ले बेटो बाव लोग ने बिन बंद लो पी के जोड़ हाथ चना में पुड़गोरी मेरे गुरु महाराज मन भूल मैंने वो ध्यान कर अरे तू राजा बन गो बादशाह बन गो तू नीचो पड़तो इसलिए मन अनु बोले सत्य गुरु महाराज की जय।